नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com से मैं दिव्या, पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच सैलानियों के आने पर पाबंदी नहीं। रात में थाने पहुंचे SP, नशे में पाए गए 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, पिट्ठू ड्रिल की सजा भी मिली। लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी के बाद मनाली लेह नेशनल हाईवे पर यातायात बंद। न्यायमूर्ति NV रमन्ना होंगे देश के नए चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति की मिली मंजूरी। देश में कोरोना के 96,000 नए मामले, 24 घंटे में 446 लोगों की गई जान। पीएम मोदी बोले, कार्यकर्ताओं के प्रयासों से ही आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है BJP। TMC नेता के घर से मिले EVM VVPAT स्लिप, चुनाव आयोग ने सेक्टर अधिकारी को किया सस्पेंड। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच पर्यटन कारोबार और सैलानियों के आने पर पाबंदी नहीं लगेगी, लेकिन कुछ और सख्ती करने पर सरकार विचार कर रही है। जल्द ही इस संबंध में कोई फैसला लिया जाएगा, ये बात CM जयराम ठाकुर ने कही है। वहीं जयराम निगम चुनावों में BJP की जीत को लेकर आशान्वित हैं। इसके साथ ही उन्होंने मंडी सदर में BJP विधायक अनिल शर्मा को लेकर कहा है कि जो वो बोल रहे हैं, पहले अपनी स्थिति को समझें और अपनी बात को स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि बीते कल मंडी में अनिल शर्मा किसके लिए वोट मांग रहे थे, इससे मंडी शहर के लोग भी हैरान हैं। CM ने कहा कि अनिल शर्मा किसी भी तरह की गलतफहमी में ना रहें, इस परिवार को मंडी की जनता बीते लोकसभा चुनावों में आईना दिखा चुकी है। SP दिवाकर शर्मा हमेशा सबको छुपाने वाले काम करते हैं, एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया और इस बार गाजगिरी 2 पुलिसकर्मियों पर। दोनों को लाइन हाजिर किया गया है। दरअसल SP बीती रात 11:30 बजे थाना सदर बिलासपुर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। SP अपनी निजी कार में अकेले थाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नाइट ड्यूटी में तैनात ASI और HHC को अल्कोहल सेंसर से चेक किया, जिस पर दोनों वर्दी में शराब का सेवन करते हुए पाए गए। दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल लाइन हाजिर करने के आदेश दिए गए हैं। दोनों को बतौर सजा पुलिस लाइन मैदान में 7 दिन का पिट्ठू ड्रिल दिया गया है और सजा के तौर पर 3 दिन का वेतन भी काट लिया गया है। SHO सदर को थाने में इस अनुशासनहीनता के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी के बाद मनाली लेह नेशनल हाईवे पर यातायात बंद हो गया है। बारालाचा तंग लंग ला दर्रे में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की सुरक्षा के चलते उन्हें दारचा से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। लाहौल में ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है। इस बर्फबारी ने किसानों, बागवानों व पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिला दिए हैं। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए बारिश, बर्फबारी, अंधड़, ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। न्यायमूर्ति NV रमन्ना देश के नए चीफ जस्टिस होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है। CJI SA बोबड़े ने अगले चीफ जस्टिस के लिए न्यायमूर्ति NV रमन्ना के नाम की सिफारिश की थी। दरअसल 23 मार्च को CJI SA बोबड़े रिटायर होने जा रहे हैं। CJI SA बोबड़े के बाद सुप्रीम कोर्ट में NV रमन्ना वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति NV रमन्ना का सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक है।
भारत में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक दिन में कोरोना के 96,000 से अधिक केस मिले हैं, हालांकि ये संख्या सोमवार को मिले अब तक के सर्वाधिक 1,00,000 से कम है। इस बार 10 मार्च से 4 अप्रैल के भीतर ही मामले 1,00,000 के पार चले गए हैं। देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1.26 करोड़ पहुंच गई है। देश में कुल 8,31,10,926 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 96,982 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,26,86,049 हो गई है। इस दौरान हुई 446 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,65,000 के पार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के मौके पर मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके ही योगदान के कारण बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन सकी है। इसके अलावा उन्होंने देश के छोटे किसानों, रेहड़ी वालों व महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं और उससे होने वाले लाभों का भी जिक्र किया। पीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं की सराहना की और कहा कि ये बीजेपी ही है जहां कार्यकर्ता अपना तन मन धन देकर पार्टी की सेवा करते हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन अपनी विचारधारा के लिए वो अडिग रहते हैं, डटे रहते हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान के बीच मंगलवार को टीएमसी नेता के घर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट स्लिप मिली है। मामला सामने आते ही चुनाव आयोग ने सेक्टर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही ईवीएम मशीनों को मतदान प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट स्लिप उलुबेरिया स्थित एक टीएमसी नेता के घर में मिली है। बताया गया है कि हावड़ा की उलुबेरिया उत्तर सीट के सेक्टर 17 अधिकारी तपन सरकार ईवीएम और वीवीपैट लेकर टीएमसी नेता के घर गए थे, जो कि उनके रिश्तेदार भी हैं। तपन सरकार के इस कदम को आयोग ने गाइडलाइन का बड़ा उल्लंघन माना है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।